आया खामनेई का स्माइल नंबर दो। खुद फोर्स चीफ लेगा हानिया का बदला। ईरान का सरदार खान लेगा मोसाद की कुर्बानी। वेस्ट बैंक में इजराइल की मार सभी हदें पार कर गई। आसमान में उड़ते जंगी जेटों ने जेनिन और तुलकरेम को भी तहस नहस कर डाला है। आईडीएफ की ग्राउंड फोर्स के गनमैन हमास लड़ाकों को दौड़ा दौड़ा कर मौत के घाट उतार रहे हैं, लेकिन इतने सफल ऑपरेशन के बाद भी नेतन्याहू की टेंशन बढ़ती जा रही है। हमास से जंग लड़ रहे इजराइल को असल चैलेंज वॉर जोन से दूर मिल रहा है। नेतन्याहू को टक्कर देने वाला कोई और नहीं, ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई, जिन्होंने अपने कमांडर इस्माइल नंबर टू को इजराइल से बदला लेने का बेड़ा सौंप दिया है। कौन है ये इस्माइल नंबर टू? इस्माइल कानी को क्यों कासिम सुलेमानी से बड़ा पावरफुल और खूंखार बताया जा रहा है? क्या नेतन्याहू और मोसाद एजेंट के रेडार पर पहले कभी नहीं आया खामनेई का इस्माइल नंबर टू? पूरे इजराइल फोर्स में खामनेई के इस लड़ाके के नाम की दहशत है। इस्माइल नंबर दो का पूरा नाम इस्माइल कानी है। नसरल्ला से भी ज्यादा शातिर दिमाग और खुराफाती खोपड़ी वाला ये टॉप कमांडर नेतन्याहू के नाम बारूदी लेटर भी लिख चुका है। از این عمل جنایتکارانه چه توسط محور مقاومت و چه توسط جمهوری اسلامی ایران قطعی است. क्या है वो पैगाम जाने, उससे पहले लाल सागर से उठता बारूदी धुआं और यमन में इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल रही इस भीड़ को देखिए। लाल सागर में हूथी विद्रोहियों ने ग्रीस के शिप को मिसाइल धमाके से उड़ा दिया। ग्रीस के सोनियन ऑयल टैंकर को तबाह करने के बाद हूथी विद्रोहियों ने इसके आसपास घेरेबंदी कर रखी है। जैसे ही ग्रीस के ऑयल टैंकर पर रेस्क्यू मिशन शुरू होगा, हूथी विद्रोही नए सिरे से हमला करने के लिए तैयार बैठे हैं। उधर यमन में हूथी लड़ाकों ने इसराइल के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। यमन में हजारों हथियार बंद हूथी विद्रोहियों ने झंडे बैनर के साथ इसराइल को बर्बाद करने की चेतावनी जारी की। नेतन्याहू का पूरा जोर हमास चीफ याया सिनवार पर लगा है। गाजा और खान यूनुस में आईडीएफ सिनवार के पीछे पड़ी है, मगर खामनेई तेहरान में बैठकर इसराइल के लिए नई मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर का वॉर प्लान इसराइल से चार कदम आगे का है। पहले हिजबुल्ला के हाथों इसराइल को दहलाया गया, नसरल्ला को वॉर जोन में लाया गया, हूथियों से हमले करवाकर इसराइल को भटकाया गया और अब इसराइल के सामने मौत की शक्ल में आ खड़ा हुआ इस्माइल नंबर टू। इस्माइल टू का नाम नेतन्याहू के लिए अपशकुनी साबित हुआ है। वजह, उनकी कैबिनेट मीटिंग में रक्षा मंत्री गैलेंट से उनकी तू तू मैं कही जा रही है। बेनामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री यो गैलेंट के बीच जमकर बहस हुई है। 29 अगस्त को सिक्योरिटी के मामले में कैबिनेट मीटिंग के दौरान ये बहस हुई। दोनों नेताओं के बीच फिलाडेल्फी कॉरिडोर में इजरायली डिफेंस फोर्स की तैनाती को लेकर झड़प की नौबत आ गई। टाइम्स ऑफ इजरायल की रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने गैलेंट से फिलाडेल्फी कॉरिडोर में सैनिकों की तैनाती को बरकरार रखने को कहा था, जबकि गैलेंट फिलाडेल्फी कॉरिडोर के बजाय गाजा में बंधक बनाए गए इजरायली लोगों को छुड़ाने की वकालत कर रहे थे। जोरदार बहस के बाद फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर मंत्रियों को वोटिंग कराने की नौबत आ गई, जिससे भड़के नेतन्याहू ने साफ साफ कहा कि हमास हमारी शर्तों को मानने को तैयार नहीं, यानी समझौता नहीं होगा और ना ही बंधक छोड़े जाएंगे। उधर फिलाडेल्फी कॉरिडोर में इजरायली सैनिकों की तैनाती पर मिस्र भी भड़का हुआ है। फिलाडेल्फी कॉरिडोर गाजा और मिस्र बॉर्डर पर 14 किलोमीटर लंबा इलाका है। इसे सलाह अल दीन कॉरिडोर भी कहा जाता है। मिस्र और इसराइल के बीच 1979 के कैंप डेविड शांति समझौते के तहत इसे बफर जोन रखा गया। फिलाडेल्फी कॉरिडोर का इस्तेमाल इसराइल सप्लाई रूट की तरह करता है। वहीं हमास लड़ाकों पर इस कॉरिडोर के जरिए हथियारों के स्मगलिंग के आरोप लगते हैं। नेतन्याहू की कोशिश है कि हमास को हद में रखने के लिए फिलाडेल्फी कॉरिडोर को कंट्रोल में रखा जाए।
जबकि हमास और हिजबुल्ला इस इलाके से इसराइल को खदेड़ने की कोशिश में है। आईडीएफ का ध्यान भटकाने के लिए हिजबुल्ला लड़ाकों ने लेबनान से जेनिन पर रॉकेट की बौछार की है। हिजबुल्ला के 40 रॉकेट धमाकों की पुष्टि इसराइल ने की है। हिजबुल्ला फाइटर नेतन्याहू की जिस धमकी के बाद उग्र हुए हैं उसे भी सुन लीजिए। नेतन्याहू की वार्निंग के बाद आत्मघाती ड्रोन और रॉकेट इसराइल फोर्स पर फटने लगे। אנחנו מכים בחיזבאללה במעלומות מחץ מפתיעות. לפני 3 שבועות אנחנו חיסלנו את הרמטכ"ל שלו, היום סיכלנו את תוכנית התקיפה שלו, נסראללה בביירות וחמנאי בטהרן. צריכים לדעת שזהו צעד נוסף בדרך לשנות את המצב בצפון ולהחזיר את תושבינו בבטחה לבתיהם, ואני חוזר ואומר, זה לא סוף פסוק. नेतन्याहू ने जिस जंग को खत्म न करने का ऐलान किया उसका सबसे खूंखार लड़ाका अब सामने आया है। ये ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई का सबसे भरोसेमंद टॉप कमांडर इस्माइल कानी है। इस्माइल कानी ईरान के उस फोर्स का सुप्रीम कमांडर है जिसका चीफ कभी कासिम सुलेमानी था। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की कुछ फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी अमेरिका और पश्चिमी देशों की ब्लॉक लिस्ट में टॉप पर है। इस्माइल कानी ने ईरान इराक युद्ध में 5वीं नस्र ब्रिगेड और 21वीं इमाम रजा आर्मर्ड ब्रिगेड को लीड किया था। 1981 में इसराइल कानी ने तेहरान की इमाम अली ऑफिसर्स एकेडमी सैन्य प्रशिक्षण लेने के बाद खुद फोर्स ज्वाइन की। IRGC जनरल सुलेमानी ने इस्माइल कानी को 41वीं थरल्ला डिवीजन का कमांडर बनाया था। थरल्ला कमांडर रहते हुए इस्माइल कानी ने अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर की रखवाली की थी। साल 1997 में कानी को कुछ फोर्स का डिप्टी कमांडर बनाया गया। जनरल कासिम सुलेमानी की मौत के बाद खामनेई ने इस्माइल कानी को कुछ फोर्स का चीफ बनाया। इस्माइल कानी पर खामनेई को सबसे ज्यादा भरोसा है। इसराइल से बदला लेने के लिए कानी ने जो पैगाम भेजा है उसे मेजर जनरल मोहम्मद बाघेरी की जुबानी सुन लीजिए। जमहूरी इस्लामी ईरान दर बाजी तहरीकात रसानेई व गैर आन नमीअफ्तद व खुद نسبت به چگونگی و زمان اقدام انقلابی خود تصمیم خواهد گرفت. محور مقاومت نیز هر کدام به تناسب توانمندی ها و تدابیر خود این انتقام ها را صورت خواهند داد که روز گذشته بخشی از آن را. اسماعیل هانیا کی موت کے بعد اسماعیل کانی نے نتانیاہو کے نام ایک اوپن لیٹر لکھا تھا जिसमें हानिया की जाबाजी का बखान करने के साथ कानी ने इसराइल को सबक सिखाने की धमकी भी दी थी। हालांकि खामनेई के इशारे के बाद इस्माइल कानी काफी दिनों तक शांत बैठा रहा, मगर सही मौके का इंतजार अब खत्म हो चुका है। इसराइल हर फ्रंट पर दुश्मनों से घिरा हुआ है। हूथी, हमास और हिजबुल्ला की तिकड़ी ने नेतन्याहू को 3 मोर्चे पर उलझा रखा है। ऐसे में जल्द कुछ फोर्स चीफ अपनी चाल चल सकता है। इस्माइल खान IRGC की जिस कुछ फोर्स का चीफ है वो विदेशी जमीन पर सीक्रेट ऑपरेशन के लिए कुख्यात है। कुछ फोर्स ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को सीधे रिपोर्ट करती है, यानी इस्माइल कानी को खुली छूट है। इस्माइल कानी के पास 5000 ऐसे खूंखार लड़ाके हैं जो सिर पर कफन बांध कर रहते हैं। इस्माइल कानी की लीडरशिप में कुछ फोर्स की ताकत सीरिया के सिविल वॉर में दुनिया ने देखी है, जहां बशर अल असद के समर्थन में जुटी कुछ फोर्स ने पश्चिमी देशों की संयुक्त सेना को धूल चढ़ा दी थी। ये कुछ फोर्स ही है जिसने इराक में 70 से भी ज्यादा शिया मिलिशिया ग्रुप बनाकर सुपर पावर अमेरिका को दहलाया है। मतलब इस्माइल कानी के वॉर प्लान सॉलिड होते हैं। इस्माइल कानी ने ज्यादातर मिशन में 100% सफलता हासिल की है। अली खामनेई के सबसे भरोसेमंद टॉप कमांडर को अब इसराइल से बदला लेने का जिम्मा मिला है, तो जल्द बड़ा धमाका होना तय है। इस्माइल कानी के लिए नेतन्याहू क्या प्लान बनाते हैं? क्या ईरान के वार से पहले इसराइल पलटवार करेगा? ये भी मुमकिन है, क्योंकि अमेरिका ने खुलकर ईरान पर हल्ला बोलना शुरू कर दिया है। अमेरिका ने ईरान पर पूरी दुनिया में आतंकवाद फैलाने के आरोप लगाते हुए जल्द सबक सिखाने की वन दे रखी है। अमेरिका की शर्त ऐसी ही मिलती रही तो नेतन्याहू खामनेई के इस्माइल नंबर 2 को भी हानिया की तरह खलास कर सकते हैं।